तो गाइज हमें सराफा बाजार की छोटे सराफा बाजार की लास्ट कॉर्नर की दुकान पे तनु चाट सेंटर पे यहाँ पे भैया अपने को मिले हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? वही भैया। तो भैया अपनी शॉप पे क्या स्टार्ट किया है आपने, थोड़ा पब्लिक को बताएंगे अपनी? अपनी शॉप का स्पेशल चीज़ है मसाला छोला कुलचा। मसाला छोला कुलचा, तो ठीक है भैया अपनी पब्लिक को दिखाओ कैसे बनता है, उसका प्राइस क्या रहता है पूरा बता दो। प्राइस नॉर्मल वाले का 120 रहता है, मसाला वाला 150 रहता है। ओके भैया चलो स्टार्ट मेकिंग स्टार्ट करते हैं। ओके मसाला, किस चीज़ का मसाला रहता है भैया? ये भैया प्याज का मसाला रहता है, प्याज शिमला मिर्ची टमाटर वगैरह। अच्छा, और इसके ऊपर ग्रेवी डलती है छोले की। छोले की ग्रेवी आती है इसके ऊपर। ये आ गई भाई छोले की ग्रेवी। ग्रेवी क्या बात, ये आपका स्पेशल बनता है? हाँ जी। क्या बात है, कितना टाइम हो गया अपनी शॉप को यहाँ पर भैया? सात आठ महीने हो चुके हैं। इसके ऊपर क्या डाला आपने? बटर। अब कर दिया भैया ने गैस ऑन। क्या बात भाई, इसको अब थोड़ा सा पकाने के बाद में दूसरी साइड से सेका जा रहा है। आप शॉप डेली ओपन करते हो भैया? हाँ जी सर, डेली ओपन रहती है। डेली ओपन होती है। सराफा बाज़ार में, छोटा सराफा बाज़ार में सबसे लास्ट वाली दुकान शायद आपकी ही है। हाँ जी है ना, सबसे आखिरी वाली दुकान भैया तनु चाट सेंटर के नाम से शॉप है ना आपकी? देखो भाई कितना शानदार तरीके से पक रहा है, तो बार 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 पलटा जा रहा है मस्त तरीके से। पूरा बटर जो है भैया का मेल्ट हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से पूरा बटर के अंदर फ्राई हो रहा है। मसाला था भाई प्याज का और ऊपर से डाला गया था उसके ऊपर रसा तरी ग्रेवी, ग्रेवी डाली गई। इंग्लिश में बोलो तो ग्रेवी और हिंदी में बोलो तो तरी। कितना टाइम लगता है भैया इसको फ्राई होने में? दो पाँच मिनट लगते हैं, अच्छे से फ्राई हो जाता है ना ये? हाँ जी। तो वैसे 150 रुपीज़ की प्लेट लग रही है। हाँ जी 150 है ना, और इसमें दो कुलचे आते हैं मसाला। प्लेट लगा दो। हाँ प्लेट लगा दो भाई, प्लेट लग रही है अपनी मस्त। क्या क्या डालते हो भैया इसमें? इसमें हरी चटनी आ जाती है। हरी चटनी आ जाती है, ये सलाद वगैरह आ जाता है। ये भी मसाले वाला सलाद है ना? हाँ जी मसाले वाला सलाद। मसाले वाला सलाद, फिर दो नींबू आ जाते हैं इसके साथ, फिर इसमें बूंदी वाला रायता आ जाता है। बूंदी वाला रायता भी आता है? हाँ जी। भाई क्या मस्त तरीके से रायता डाल दिया भैया ने बूंदी वाला। अरे कंप्लीट मील आपको 150 रुपीज़ में मिल जाएगी। रायता डबल से ले सकते हैं भैया? नहीं उसका फिर एक्स्ट्रा चार्ज रहता है। एक्स्ट्रा चार्ज रायते का अलग से रहता है। ये छोले आ गए भाई, ये छोले क्या शानदार छोले दिख रहे हैं भाई, गजब। ग्रेवी वाले छोले हैं ना ये? ग्रेवी वाले। फाइनली आ गए कुलचे। प्लेट हो गई भैया रेडी? नहीं अभी इसमें और भी एक चीज़ बाकी है। क्या बाकी है भैया? स्पेशल गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? हाँ जी। क्या बात है, किसी को ज़्यादा तीखा लगता है तो साथ में गुलाब जामुन देते हो ना? क्या बात है, ये भाई ये भैया की मस्त गुलाब जामुन, गजब भैया। ये भी 150 के अंदर इंक्लूड है? हाँ ये भी इंक्लूड है सर। क्या इस टाइप से पूरी प्लेट रहती है? पूरी प्लेट रेडी हो गई भाई, क्या बात है, एक नंबर। तो गाइस अपने पास में आ चुके छोले कुलचे के प्लेट, मसाला छोला कुलचा बोला जाता है बेसिकली इसको। तो इसके अंदर आपको 4 से 5 आइटम देखने को मिल जाएंगे, साथ में गुलाब जामुन रायता, मतलब सारे टोटल मील 150 रुपीज़ में आपको कम्प्लीटली यहाँ पे मिल जाएगी। तो बट टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको टेस्ट बता देंगे इसका टेस्ट वगैरह कैसा क्या है। अब भाई नॉर्मल छोले कुलचे तो वहाँ पे खाए थे, राधे राधे छोले कुलचे, मगर सराफा में आपको थोड़ा सा यूनिक आइटम दिखाए तो उसको ट्राई कर लेते हैं। ये ग्रेवी वाले छोले हैं, छोले काफ़ी अच्छा मसालेदार मतलब छोले लग रहा है, जो टेक्सचर आया था ना कि घर घर में छोले कुलचे बनते ग्रेवी वाले, उस टाइप का टेक्सचर है। मसाले अच्छे खासे इनहेंस हो रहे हैं ऊपर। नॉर्मल ट्राई करके देखते हूँ कि ये भी मसाले वाले ही है। टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, राजा ट्राई करते हैं विशेष भाई जो भैया ने साथ में दिया है। ऑथेंटिक रायता, बूंदी रायता, साथ में मैंने दिया गुलाब जामुन मीडियम साइज, तो इसको भी खाते भाई लोग। इसको टेस्ट जो पूरी मील थी ना 150 रुपीज़ की, इसको खा के बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब बहुत गजब का टेस्ट आया, तो काफ़ी वर्थिट है। अगर आप लोग सराफा बाज़ार में आ रहे हो, अगर आप लोग अच्छी भूख लग रही है तो आपको दो मीडियम साइज़ के यहाँ पे कुलचे मिल जाएंगे, साथ में ग्रेवी ग्रेवी वाले छोले मिल जाएंगे, रायता मिल जाएगा, गुलाब जामुन मिल जाएगा, लास्ट में कि अगर आपको तीखा ना लगे इसलिए। बाकी काफ़ी अच्छा टेस्ट है, आप लोगों का पेट भर जाएगा और साथ में टेस्ट का आनंद दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो चलाओ तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपके जो पूरी दोस्तों को टेक जरूर कर देना, ताकि उनको भी ज़्यादा जो टेस्ट है भैया खाने को मिल जाए।
मिलते हैं, चलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।